वोट मांगने आते हैं भाई, वोट लेके चले जाइए, तब से कबाऊ नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं, देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। ऐसा ही हाल रीवा जिले के सिरमौर ब्लॉक और मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पाली में भाजपा नेता ब्रिजेश मंगल सिंह के घर से लेकर केवट समुदाय की बस्ती यानी करीब 3 किलोमीटर तक आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी आज तक गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है। गांव में सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस गांव की दूरी ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर है। गांव में बीमार पड़ने पर लोग पीड़ित को चारपाई पर लाद कर अस्पताल ले जाते हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हर बार चुनाव के समय नेताओं के द्वारा सड़क बनाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनावों के बाद कोई भी नेता गांव की तरफ नहीं देखता है। लोगों ने बताया कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंचूलाल प्रजापति हैं, लेकिन ग्राम पंचायत पाली नहीं आना उचित समझा। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, गाँव में सड़क नहीं होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बीमारी की हालत में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। वहीं ग्राम पंचायत पाली स्थित केवट बस्ती में पत्रकार धर्मेंद्र सिंह खुद मुआयना करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति के प्रति काफी आक्रोश जताया और कहा कि पंचूलाल प्रजापति जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने रोड बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतते ही सब भूल गए। ग्राम पंचायत पाली के सचिव उल्फत खान ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया और वास्तविकता में रोड नहीं होने की बात भी मीडिया को बताई। भाजपा नेता ब्रिजेश सिंह मंगल का गृह ग्राम पाली है, इस दौरान उन्होंने भी अपना दुख दर्द खुद मीडिया के सामने आकर बयां किया है। अब देखते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी एवं मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति मामले पर कब तक संज्ञान लेते हैं। का नाम है? शिव शंकर केवट। अच्छा, ये रोड कब से नहीं बनी? अरे ये बहुत दिन हो गया नहीं बनी, का घात है, जब से हम पैदा हुए तब से बनी नहीं। कब? तो क्या मानते हैं यहाँ का विधायक पंचूलाल प्रजापति? अरे जब वोट पर अभी तब भर आवा था जनार्दन मिश्र पंचूलाल, तब के बाद अब दर्शन उनका नहीं पाएन गांव में। कितने लोग हैं यहाँ, बस्ती कितनी है? यहाँ कम से कम 1000 बस्ती है। और मतदाता कितने हैं, वोट कितने? मतदाता है 665। वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने आते हैं भाई, वोट लेके चले जाइए, तब से कबाऊ नहीं हूँ। एक हमारे साथ महिला भी हैं। हाँ। ये बताइए कब से वोट नहीं बनी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कौशलिया के आठ। हाँ, तो ये रोड में बरसात में अपना को बड़ी दिक्कत? अरे दिक्कत का है तो ना, हम मारा लागे बेरा में खटिया लात के लग जाए ही। हाँ। गाड़ी घोड़ा ही ना आई। हाँ, अच्छा डिलीवरी भी करानी पड़ती, खटिया में ले जाती? खटिया में ले जाता। हमारा नाम श्रीमती बेला कली। अच्छा, बेला कली जी हमारे साथ है, क्या कहना चाह रही है? भैया या ढर्रा बन जाए, रोड बन जाए, डिलीवरी खटिया से जाती, इतनी समस्या है कि मानो लड़का पढ़े कर। यहाँ के विधायक कौन है? हाँ भैया, वो नहीं जाए पंचूलाल, मनगवा विधानसभा है ना। हाँ, पंचूलाल प्रजापति जी हैं। बताई नहीं भोले। हाँ, अपना के का नाम है? हमारा नाम है उमा। उमा, का दिक्कत थी? अरे दिक्कत यह है कि रोड बन जाए बढ़िया। हाँ, पब्लिक बढ़िया चला रहेगा, दौड़ा हाँ, यहाँ तो इतनी दिक्कत ही के अब का बताई, खचार के मारा मनाई आवत नहीं जात नहीं। हाँ, शुगर के मरीज हैं, दवाई लेके। का नाम है? हाँ, सुनीता के बट। यह रोड कब से नहीं बनी, का दिक्कत होती? अरे जब से हम आते ये रोड नहीं बनी है, मैं के है ना। वास्तविकता ये है कि पैसे के अभाव के वजह से ये रोड बंद पड़ी है, और सरकारी ज़मीन बीच बीच में मध्य प्रदेश शासन है करीबन, नहीं तो ग्राम पंचायत पाली में 42 एकड़ ज़मीन मध्य प्रदेश शासन की है, और उसमें अगर ये रोड बन जाए तो शायद भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और हमारा पाली गांव जहां मैं निवास करता, जहां जन्म मेरा स्थान है, आज तक इसी रोड नहीं बनी। हम क्या कह सकता हूं मैं, पर हो गया ये है कि हमारी छोटी बहू सरपंच बनी है, तो हमारा प्रयास ऐसा है कि ये हमारा गांव विकास की ओर अग्रसर रहे और विकास से अछूता न रहे, काम हो, रोड बने, बच्चे स्कूल जाएं, शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य शिविर लगे, कोई बीमार ना हो,
और हमारा गांव उन्नत की ओर रहे।